नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने बीए पार्ट फर्स्ट का जो पहला पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसकी तीसरी यूनिट के टॉपिक्स के पीपीटी बेस्ड वीडियोस को तैयार करके आपके साथ YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से WhatsApp पर शेयर किया है और आप उनको देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज हम जो सेकंड पेपर है बीए पार्ट ट्रस्ट का जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज, उसका एक टॉपिक ले रहे हैं। तीसरी यूनिट का ये टॉपिक है भूमंडलीकरण, जिसको हम वैश्वीकरण भी कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा और एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसने भारत से पूरी दुनिया में सामाजिक परिवर्तन की एक लहर शुरू कर दिए और अर्थव्यवस्था, ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, संस्कृति, जनजीवन, खान पान, रहन सहन, जीवन शैली सभी में व्यापक परिवर्तन इसके कारण घटित हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण विश्व की दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो आपस में जुड़ गई है, आपस में वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान होने लगा है और ये प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया वही है, नियमित रूप से चलने वाली जो सामाजिक अंतर्क्रिया है उसे ही हम प्रक्रिया कहते हैं। यह सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, समाजशास्त्रीय प्रक्रिया है, जिसका अध्ययन सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम संक्षिप्त में भूमंडलीकरण और आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में क्या अंतर है इनको समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि इसके नाम से शब्द भूमंडलीकरण का सरल शब्दों में अर्थ है पूरी दुनिया का आपस में जुड़ जाना, इसे हम वैश्वीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। वैसे ही एक आर्थिक प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच में वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के साथ ही श्रम और बौद्धिक संपदा का बिना किसी प्रतिबंध के आदान प्रदान होने लग जाता है और अत्याधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है यही वैश्वीकरण कहलाती है। यानी विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम, बौद्धिक संपदा का सूचना प्रौद्योगिकी जनित संपर्क की जो अप्रतिबंधित आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है उसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। सूचना और जो संचार तकनीकी है यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसने पूरे विश्व को एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया। इसको इसलिए इसको हम ग्लोबल विलेज से वैश्विक गांव से जोड़ते हैं। वैश्विक गांव से जुड़ी हुई यह उदाहरण है। वैश्विक गांव का तात्पर्य, गांव एक ऐसा छोटा सा समुदाय होता है जहां हर घटना के बारे में सभी को पता रहता है, सभी जागरूक रहते हैं, आपस में एक दूसरे पर अंतर्निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो पूरी दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है इस प्रक्रिया ने और ये घटित हुआ है अत्याधुनिक संचार सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, क्योंकि उसने समय और भौगोलिक बाधाओं को ख़त्म कर दिया है। हम तत्काल दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से, टेलीफोन से, मोबाइल से, इंटरनेट इंटरनेट के माध्यम से कैसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई घटना घटित हो जाती है तो पूरी दुनिया को उसका पता चल जाता है। साथ ही यातायात संचार के जो अत्याधुनिक साधन हैं उनसे हम तत्काल एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच सकते हैं। तो समय और जो भौगोलिक दूरी है उसको इसने पाट दिया है। और जहाँ तक बात इसकी समाजशास्त्रीय अवधारणा की है तो हम जानते हैं कि आर्थिक क्रिया है वो सामाजिक व्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और जो सामाजिक ढांचा है वो काफ़ी आर्थिक वातावरण से, आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित होता है, उनके आधार पर तय होता है। इसलिए समाज का प्रभावित होना, समाज में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जाने माने समाजशास्त्री एंथनी गिडेंस हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में ये लिखा है कि आज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं को लांग कर देशों के बीच की जो दशाएं हैं, भाग्य हैं, उनको निर्धारित करते हैं। तो दुनिया में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों में बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता है, ये इंटरडिपेंडेंस है, इसी को ही वैश्विकरण कहते हैं, ये एंथनी गिडेंस ने कहा है। और
वे जहाँ तक बात भूमंडलीकरण की विशेषताओं की है, तो चूंकि ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, व्यापक है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण, उत्तर आधुनिकता, औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद, सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनमें सबसे मुख्य विशेषता है विश्वव्यापी संस्कृति का विकास होना। भूमंडलीकरण दुनिया के सभी देश आपस में जुड़े और अर्थव्यवस्थाओं में संपर्क हुआ, आदान प्रदान हुआ। इसके कारण एक ग्लोबल कल्चर डेवलप हुई है, जिसमें मनोरंजन, रहन सहन, खान पान, इस तरह के जो तौर तरीके हैं वो काफ़ी कॉमन हो गए हैं। तो ये विश्वव्यापी संस्कृति है। छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं, जैसे बर्थडे मनाना, छोटे से गांव से लेकर अमेरिका जैसे विकसित देशों में मनाए जा रहे हैं। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, इसी तरह रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, वीकेंड पर घूमने जाना है, ब्रांडेड चीज़ें पहनना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। और वो छोटे से देश से लेकर विकसित देशों में, विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में जो संसाधन संपन्न वर्ग है वहाँ पर उनको देखा जा सकता है, उनके जीवन में उनका अवलोकन किया जा सकता है। तो ये एक विश्वव्यापी संस्कृति का विकास हुआ है। दूसरा है संस्कृति का सजातीयकरण। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न जो संस्कृतियाँ हैं वो एक दूसरे के काफ़ी निकट आई है, विभिन्न संस्कृतियों आपस में आदान प्रदान बढ़ा है, संपर्क बढ़ा है, क्योंकि यातायात और संचार के साधनों का बहुत तेज गति से विकास हुआ है। तो एक संस्कृतियों में काफ़ी हद तक समानता देखने को मिल गई है। तो ये संस्कृति का सजातीयकरण भी विश्वव्यापीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा है विनिमय का साधन, मुद्रा है, वो उसके नए तौर तरीके विकसित होना है। इसका तात्पर्य है कि विश्वव्यापीकरण में जो विनिमय हो रहा है वो मुद्रा के साथ साथ दूसरे तौर तरीकों से भी हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कार्ड से पेमेंट हो रहा है, नेट बैंकिंग से पेमेंट हो रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन से पेमेंट हो रहे हैं। तो विनिमय के साधनों में नवाचार होना, ये भी विश्वव्यापीकरण की विशेषता है। चौथा है बाजार का प्रभुत्व है, यानी विश्वव्यापीकरण की जो प्रक्रिया है, ग्लोबलाइजेशन, ये जो भूमंडलीकरण है, इसमें बाज़ार सर्वे सर्वा है, उसका प्रभुत्व तो रहता है। बाज़ार ही बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियाँ तय करता है। उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है इसमें, और अलग अलग नए बाज़ार, नई चीज़ें अस्तित्व में आती हैं। पांचवी इसकी विशेषता, नए सामाजिक आंदोलन। भूमंडलीकरण भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में महिला सशक्तिकरण, जेंडर बेस्ड जस्टिस है, पर्यावरण आंदोलन है, मानवाधिकार आंदोलन है, दलित आंदोलन है, इस तरह के नए सामाजिक आंदोलन है, उनका उद्भव हुआ है। तो न्यू सोशल मूवमेंट्स का इमर्ज होना, उनका उभरना, ये भी विश्वव्यापीकरण की एक विशेषता है। इसकी छवीं विशेषता है आर्थिक उत्थान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका तात्पर्य है कि भूमंडल के कारण अविकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश आपस में जुड़ गए हैं, वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान होने लगा है। तो तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनका भी आर्थिक उत्थान हुआ है, दूसरी तरफ आर्थिक खाई बड़ी भी है। तो तीसरी दुनिया के देश है, अल्प विकसित अविकसित देश हैं, उनमें सापेक्षिक वंचना की भावना बढ़ी है। तो इस प्रकार ये छह मुख्य विशेषताएं हैं भूमंडलीकरण की। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है आर्थिक अंतर्निर्भरता, यानी बाजार सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य की भूमिका न्यूनतम है, और आर्थिक अंतर्निर्भरता इसका सार तत्व है। इकोनॉमिकली सभी देश आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, यही सही अर्थों में भूमंडलीकरण की अवधारणा है। और भारत के जाने माने समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह ने कहा कि समाजशास्त्र को सही अर्थ में पढ़ने और समझने के लिए हमें वर्ल्ड सोशल ऑर्डर है, और जो सामाजिक परिवर्तन है, जो वैश्विक सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक परिवर्तन है, उसके संदर्भ में इसको देखने समझने की ज़रूरत है। तभी हम समाजशास्त्र की नई भूमिका तय कर सकते हैं और समाजशास्त्र को नए युग में प्रासंगिक बना सकते हैं। इस के ज्ञान के माध्यम से हम समाज को और बेटर बनाने में, अपलिफ्ट करने में, इसके प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये भूमंडलीकरण की अवधारणा है, बहुत संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत की है, इसका अर्थ बताया आपको, इसकी विशेषताएं बताई है। साथ ही में एक और अवधारणा के बारे में एक संक्षिप्त विवेचन आपके साथ करना चाहता हूँ, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता।
डियर स्टूडेंट्स, आधुनिकता का संबंध तार्किकता, व्यक्तिवादिता, समानता से हैं। यह आधुनिकीकरण से जुड़ी हुई है। आधुनिकीकरण एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। भारत में सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें एक प्रक्रिया आधुनिकीकरण भी है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम आधुनिकता को थोड़ा समझ लेते हैं। भारत के जो समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास, उन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न मीडिया 1966 में उनकी पुस्तक आई थी, उसमें उन्होंने आधुनिकता को इस तरह परिभाषित किया है कि आधुनिक मानव के विकास और भौतिक समृद्धि को दर्शाने वाली अवधारणा है। ये मानव विकास और भौतिक समृद्धि को दर्शाने वाली मूल्य भारित अवधारणा है ये आधुनिकता। इसमें तीन विशेषताएं इन्होंने बताई है कि भौतिक संस्कृति, सामाजिक संस्थाएं और तीसरा ज्ञान, मूल्य और मनोवृत्तियाँ। इनके आधार पर उन्होंने आधुनिकता को परिभाषित किया है। और उसके बाद में जो नए समाजशास्त्री आए हैं उन्होंने उत्तर आधुनिकता की अवधारणा को दिया है, क्योंकि आधुनिकता जिन चीज़ों पर जोर देती है, उत्तर आधुनिकतावाद का ये मानना है कि आधुनिकतावाद कुछ बिंदुओं की उपेक्षा करता है, इसलिए आधुनिकतावाद के विरोध में उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा आई है। यानी आधुनिकतावाद की जो समस्याएं हैं उनका समाधान है वो उत्तर आधुनिकतावाद प्रस्तुत करता है। ये सिद्धांत हैं आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, जो समाज का एक विशिष्ट दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं। आधुनिकता मानव विकास और भौतिक समृद्धि को दर्शाने वाली वैल्यू लोडेड टर्म है, मूल्य भारित अवधारणा है। और उत्तर आधुनिकता है वो आधुनिकतावाद की जो समस्याएं हैं, कमियां हैं, उनका समाधान, सैद्धांतिक समाधान प्रस्तुत करने वाली अवधारणा है। बहुत सरल रूप में मैं आपके सामने आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद का अंतर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि योगेंद्र सिंह हैं, भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह। उन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में आधुनिकता के चार लक्षण बताए हैं। हम आधुनिकता पर बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं कि उत्तर आधुनिकता बिल्कुल सीधी प्रत्यक्ष रूप से आधुनिकता के विरोध में खड़ी हुई है। जिन जिन चीज़ों पर आधुनिकतावाद बल देता है उनके बिल्कुल विरोध की विपक्ष की बात उत्तर आधुनिकतावाद करता है। तो योगेंद्र सिंह जी ने आधुनिकता, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने आधुनिकतावाद के चार लक्षण बताए हैं। पहला है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, यानी आधुनिकता की जो अवधारणा है वो व्यक्तिपरक उन्नति, व्यक्तिपरक उत्थान पर बात देती है। व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, अपने उत्थान की बात करता है, अपनी प्रगति की बात करता है, यानी व्यक्तिवाद। दूसरा है समानता, ये समानता की बात करता है, ये भेदभाव, ऊंच नीच, हायरार्की की बात नहीं करता है। तीसरा है परिवर्तन के प्रति आस्था, ये परिवर्तन को स्वीकार करता है, इसका सम्मान करता है, इसको बढ़ावा देता है। चौथा है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। तो ये चार मुख्य बिंदु आधुनिकता के चार लक्षण है, तत्व हैं। तो अब हम समझते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, तो इसको तुलनात्मक रूप से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ। डियर स्टूडेंट्स, आधुनिकतावाद वैज्ञानिकवाद पर बल देता है। वो कहता है कि समाज का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है और समाज का में जो ज्ञान वृद्धि है वो वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिकवाद के आधार पर ही अर्जित की जा सकती है। समाज का उत्थान का माध्यम वैज्ञानिकवाद ही है। दूसरी तरफ उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि नहीं, विज्ञान मानव विकास का साधन मात्र है और मानववाद मानव के उत्थान, कल्याण, समाज के प्रगति का पथ प्रशस्त करता है, वैज्ञानिकवाद नहीं। तो जहाँ आधुनिकतावाद वैज्ञानिकवाद पर बल देता है तो उत्तर आधुनिकतावाद मानववाद पर बल देता है। इसी तरह आधुनिकतावाद तार्किकता पर बल देता है। वह समाज का की व्याख्या, विश्लेषण, समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण तार्किक होता है, तो उत्तर आधुनिकतावाद का भावनात्मक होता है। वो कहता है कि हमेशा तार्किक रहना सही नहीं है, कभी कभी हमें भावनाओं के आधार पर भी निर्णय लेने होते हैं। हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, हमें दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशील होने की ज़रूरत है, तभी हम सच्चे अर्थों में इंसान हैं। तो ये भावना पर बल देता है, जबकि आधुनिकता तार्किकता पर बल देती है। तीसरा, आधुनिकता प्रतिस्पर्धा पर बल देती है। वो कहता है कि समाज व्यक्तिगत
और सामूहिक उन्नति प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही संभव है। तभी हम जीवन में और सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन उत्तराधुनिकतावाद सहयोग पर बल देता है। वो कहता है कि प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सहयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है समाज की, व्यक्ति की उन्नति और प्रगति के लिए। चौथा बिंदु है विशेषीकरण। आधुनिकतावाद स्पेशलाइजेशन पर जोर देता है, विशेषीकरण पर बल देता है, यानी कि किसी एक काम का एक ही ही विशेषज्ञ हो, वो उसमें दक्ष हो। जबकि उत्तराधुनिकतावाद संपूर्णता पर, समग्र दृष्टिकोण पर बल देता है कि हमें किसी काम की एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, उसकी समग्र जानकारी होनी चाहिए। और विशेषीकरण में व्यक्ति किसी एक ही चीज़ का एक्सपर्ट होता है, जबकि संपूर्ण दृष्टिकोण हो, समग्र दृष्टिकोण हो, तो वो मोटे तौर पर मोटी मोटी जानकारी हर चीज़ के बारे में रखता है। तो ये संपूर्णता पर बल देता है। और पांचवी जो विशेषता या पांचवा जो बिंदु है आधुनिकता और उत्तराधुनिकता के बीच में अंतर को स्पष्ट करने वाला, वो है व्यक्तिवादिता। आधुनिकतावाद व्यक्तिवादिता पर बल देता है, व्यक्तिगत उन्नति सबसे महत्वपूर्ण है उस पर बल देता है, उसके बाद में ही समाज की उन्नति संभव है। जबकि उत्तराधुनिकतावाद सामुदायिकता पर बल देता है कि समुदाय का कल्याण पहले जरूरी है, वो महत्वपूर्ण है, उसमें ही व्यक्ति की उन्नति निहित है। तो इस प्रकार आधुनिकतावाद और उत्तराधुनिकतावाद, इनमें जो आधुनिकतावाद जिन चीज़ों की अपेक्षा करता है, उत्तराधुनिकतावाद उन्हीं मुद्दों को महत्वपूर्ण मानकर अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिकवाद, मानववाद, तार्किकता, भावनात्मकता, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, विशेषीकरण, संपूर्णता, व्यक्तिवादिता, सामुदायिकता। तो ये आधुनिकतावाद और उत्तराधुनिकतावाद का मुख्य अंतर है। बहुत ही संक्षिप्त में, सारगर्भित रूप में, सरल रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अक्सर हम समाजशास्त्र में इस अवधारणाओं को देखते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते। तो हमें इनकी बेसिक जो बुनियाद है, सेंट्रल थीम है, उसको समझना जरूरी है कि आखिर आधुनिकता क्या है और उत्तराधुनिकता क्या है, जिससे कि जो एडवांस थ्योरीज है उनको हम बेहतर ढंग से समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र का जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज, उसके लिए ये जो भूमंडलीकरण अवधारणा है, इससे संबंधित वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। थोड़ा सा संक्षिप्त में आधुनिकता और उत्तराधुनिकता को भी आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको आगे विषय में कोई कठिनाई नहीं हो। मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। थैंक यू, धन्यवाद।